डायलिसिस सेंटर के नाम पर अलहमदिल्ला बहुत अच्छी चीज़ है। आज खून की भी इसकी बहुत ज़रूरत है और खून के साथ साथ तमाम जो हिंदुस्तान में बसने वाले इंसान हैं उनके वास्ते भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम लोग आज बहुत परेशानी, किसी के पास माल नहीं है, क्या माल होने के बावजूद सहूलत नहीं है, इसलिए जगह जगह डायलिसिस सेंटर कायम करेंगे तो लोगों को भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। पूरे मस्जिद मदरसे के जिम्मेदार सब मिलकर जो है एक नतीजा निकालें, हमारे चामराजपेट के मेले साहब जो है बहुत सारे खिदमत कर रहे हैं, उसमें क्यों ना उनसे और एक अच्छा काम दिया जाए, ये गौर व फिक्र करते हुए जो है टाइम लिए हैं। इंशाल्लाह उनको बुला के उनके सामने बात रखकर जो है डायलिसिस सेंटर बनाया जाए और सैदानीमा की तरह के बाद एक जगह है वहाँ भी जो है गरीब मुसाफिर लोग जो आते हैं उनके लिए भी एक मुसाफिर खाना बनाए और उनकी खिदमत की जाए आसानियाँ हो, इसलिए जो है इंशाल्लाह हम इरादा किए हैं, दुआ करते हैं कोशिश की जाए को जमा को एक डायलिसिस का मिशन रखो सरकारी हॉस्पिटल में या हमारे एरिया में सहूलत नहीं है गरीब आदमी से रखो और एक रखपट की जगह है उसमें मुसाफिर खाना बनाना, अल्लाह जनता के काम ले रहा है ये भी काम एक ले आओ मिनिस्टर साहब काम करते मिनिस्टर साहब को ऑलरेडी खुद काम कर ले को ही स्टेट देख रही हावेरी देख रही मंगलूर देख रही सब देख रही अभी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम हो रहा है जहाँ को हमें बात करते हैं इन शाला बहुत जल्दी काम करके दे देंगे अल्लाह उम्मीद है सबको दे देंगे खान अल्लाह चामराजपेट कार्यक्रम यदि पक्षपात केस अदे रीति नम चामराजपेट क्षेत्र शासक मंत्री आद नर ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇದೆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಒಂದನ್ನು ಈ ಮುಸಾಫಿರ್ ಖಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ನ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಪಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ವಾರ್ಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು 35,000 ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ ಸರ್ಜರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಫಾ ಮುಟ್ಟೆದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಮಾಮ್ ಜಿಮ್ಮೆದಾರ ಜುಡ್ಕೋ ವಕ್ತಲಿ ಪ್ರೈಮರ್ಶರ ಯೇ ತಯವಾಗಿ ಅಲ್ಕೈ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅಂದರ ಜೊತೆ ವಿಕ್ಟೋರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೇ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಜೊ ಬೀಮಾರ ಉಸ್ಕೆ ಬೀಮಾರ ತಬ್ಕಾ ಜೊತೆ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಟೆಂಡರ್ ಜೊ ಆತೆ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಕಾಫಿ ಪರೇಶಾನಿಯಾಂ ದುಶ್ವಾರಿಯಾಂ ಕಾ ಸಾಮ್ನಾ ಹೋ ರಹಾ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಕೆ ಜೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಕೇ ಅಂದರ ಜೊ ಅಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆತೆ जो गरीब का जो बेबस तबका जो गरीब तबका जो यतीम किस्म के जो बहुत ही कम हालत के जो आते हैं वहाँ बिलखसूस हमारे कौम के अंदर जो नाइटों में जाते हैं उनके लिए बहुत दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं, इसलिए सभी की इत्तेफाक राय से ये तय किए गए हैं कि हमारे और आपके चहेते लीडर और मेरी शाह का रियासत कर्नाटक के वजीर जनाब वीजर जमीदार पर सबसे एक वक्त लेने के लिए उनसे गुजारिश है कि अस्पताल की जो एक रिहाइशगाह के लिए मतलब उनके जो आ रहे हैं उनकी सहूलत के लिए जो सैदानी में जगह के अंदर जो वक्त की जो जगह है उसके अंदर एक हमें सराय जैसे मुसाफिर खाना बनाने का एक संभव इरादा करे हैं और इंशाल्लाह एक हमारा एक वफद एक टीम हमारी कल जाकर जमीर साहब से वक्त देगी और इंशाल्लाह फिर एक बार इसी तरह ये जो मजमा जुड़ा है जुड़ कर हमारे मिनिस्टर साहब को यहाँ बुलाकर उनसे गुजारिश करते हैं ये काम कराने की गुजारिश करते हैं, हमें पूरी उम्मीद है ये हमारे मेरे और आपके हार्दिक अजीज़ आली जनाब वीर जमीन हमसे ये कोई बड़ा काम नहीं है उनके लिए बाएँ हाथ का खेल है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद करते हैं ये काम हमारा ज़रूर होता है। और दूसरा जो मुद्दा था हमारे अलखे चावल सेंटर जो है डायलिसिस सेंटर जो नहीं है जिसके लिए हमारे अलखे चावल की जो उम्मत काफ़ी दुश्वारियों का सामना कर रही है, इसके लिए डायलिसिस सेंटर का तो आज हमारे मुद्दों पर हमें
बात किए हैं, और इसके साथ साथ आज हल्के चामराजपेट के जो डीसीसी मेंबर हैं हमारे चांद बादशाह साहब, जिनके खिदमत को सराहा गया और जिनके खिदमत जो कई से ऑपरेशन में कराए गए, जिसके लिए अमेरिका के चेयरमैन सोनिया गांधी को एक लेटर लिखी है। ये हमारे लिए नहीं बल्कि हल्के चामराजपेट के तमाम हमारे मुसलमान भाइयों के लिए भाई से फख्र की बात है। आज उनकी भी गुलपोशी की गई, उनकी भी इज्जत अफजाई की गई, और उन्हें भी आज ARAFA MUTAHEDA फाउंडेशन का एक कारकुन बनाया गया।